आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट 50 डेज की आपकी पढ़ाई की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए फॉर द क्लैट पीजी एग्जाम। फिर चाहे आप पीएसयू के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी रिवीजन स्ट्रेटजी प्लस मॉक टेस्ट लगाने की स्ट्रेटजी देख रहे हो, या फिर आप फ्रॉम स्क्रैच तैयारी करना चाहते हो फॉर द टॉप 10 टॉप 5 कॉलेज या जैक एंट्री के लिए, दोनों ही केस तीनों ही सारे यूज केस के लिए आपको इस वीडियो के अंदर सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ ही में संभव लोग के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अब यहाँ पे एक चीज जो मैं आपसे ऐड करना चाहूंगा इन द बिगिनिंग ओनली, कि जो भी स्ट्रेटजी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, अगर आपको वो कायदे से फॉलो करनी है और आप चाहते हो कि मेरे को एक प्रॉपर एक जगह पे सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाए, सारे मॉक पेपर्स का मेरे को एक साथ सब मिल जाए, साथ में एक मेंटरशिप के लिए गुरु भी हो जो कि मेरे को टाइम टू टाइम गाइड करता रहे, रिमाइंड करता रहे कि पढ़ना है, तुमको मोटिवेशन तुम्हारी कम नहीं होनी चाहिए, तो आप हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स स्टूडेंट जरूर ट्राई करिए। ये कोर्स आपका 499 में अवेलेबल है, जहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स हमने कवर करके रखे हुए वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में। यहाँ पे आपको केस लॉ समरीज, सारा का सारा अपडेट, सब कुछ जो आपको क्लैट पीजी एग्जाम के लिए चाहिए क्रैक करने के लिए पूरा अवेलेबल है। डेफिनेटली इस पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, चेकआउट करिएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करना, पहली बात तो शुरू इस चीज से करते हैं कि भाई क्या आपके लिए यहाँ पे जो टारगेट है वो क्या है। देखो अगर आप पीएसयूज के लिए फोकस कर रहे हो तो आपको देखिए 85 प्लस यहाँ के लाने की जरूरत है, लेकिन इसमें भी जो कैवियाट है वो ये है कि आप अगर 80 या 75 भी लेके आते हो तो आपकी जो रैंक होगी वो आपकी 100 के अंदर ही आएगी, टॉप 100 में होगी। एंड देयर आर सर्टेन पीएसयूज जो कि 100 तक कॉल करते हैं, कुछ जो है आपका 45-50 तक भी कॉल करते हैं, तो आपका एक अच्छा खासा चांस होता है कि आपको कॉल यहाँ पे आ जाए। अगर मान लो टीएचडीसी या कोई छोटा पीएसयू आता है, बड़े पीएसयू थोड़ा सा टॉप 30 टॉप 40 तक ही लेते हैं, तो ये चीज ही आपकी हो गई। तो अभी इस टाइम फ्रेम में अगर आपने जुडिशरी का एग्जाम की तैयारी पहले से करी है या कॉलेज में आपकी पढ़ाई सॉलिड रखी है अपने फाउंडेशन की और आप तैयारी करना शुरू करना चाह रहे हो, तो आपके लिए बहुत आराम से रिविजन करके मॉक पेपर लगा के यहाँ पे एग्जाम क्रैक करना पॉसिबल है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद अगर आप मान लो टॉप 5 टॉप 7 कॉलेज की बात करते हो जहां पे आप एमएनएलयू और जेएनएलयू को भी काउंटेंट कर ले रहे हो, तो आपको 55 प्लस तक स्कोर करने की जरूरत है, जहां पे आपकी जो रैंक है वो अगर अंडर 800-900 भी है तो आपको आराम से ये कॉलेजेस मिल जाएंगे। ये अगर ऐसे नहीं मिलेंगे तो वैकेंसी राउंड में तो कम से कम गारंटीड है कि आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। और साथ में यहाँ पे डोमिसाइल की भी जो रिक्वायरमेंट होती है हर स्टेट की डिफरेंट होती है, तो जैसे तेलंगाना में अगर आप डोमिसाइल हो तेलंगाना के तो नलसार में आपको 1700 की रैंक तक एडमिशन मिलता है, कुछ जगहों 1500 की रैंक तक एडमिशन मिलता है वेस्ट बंगाल वगैरह में, तो यहाँ पे ये चीज देखने वाली है, तो वो आपको उस हिसाब से ध्यान रखे चलना है। उसके अलावा टॉप 10 कॉलेज जो आपके हैं, अगर आपको आरजीएनएलयू एचएनएलयू आरएनएलयू लखनऊ चाहिए तो वहां के लिए आपको 50 प्लस ही स्कोर करना है, तो अगर आप तैयारी फ्रॉम स्क्रैच अभी से भी शुरू करोगे तो आपको ये कॉलेजेस आराम से मिल सकते हैं। ये जो कॉलेजेस हैं काफी अच्छे हैं, यहाँ से एनएलयू यहाँ से डिग्री लेने के बाद काफी वैल्यू रहती है। फिर उसके अलावा अगर आप जैक एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो तो जैक एंट्री के लिए 35 प्लस का आपको स्कोर का रिक्वायरमेंट है, और इसकी तैयारी में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, रोजाना अगर आप 6-7 घंटा भी पढ़ाई करते हो, अगर आप स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ फॉलो करते हो, आपका एग्जाम बहुत आराम से यहाँ पे निकल जाएगा। बाकी जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा आपको रिगरस स्टडी की जरूरत है, लेकिन जो जैक एंट्री वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्सेशन में दूंगा। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि भाई आप जो तैयारी कर रहे हो ना उसमें ये अंडरस्टैंड करके चलो कि जो आपका इस बार तैयारी आप करोगे लास्ट के 50 डेज में, दोज आर द 20% एफर्ट्स जो कि आपको 80% आपका रिजल्ट ला के देंगे, दिस इज नोन एज द पारेटो प्रिंसिपल। और आपका जो 80% एफर्ट है जो आपने इससे 5 साल पहले कॉलेज में अपनी पढ़ाई में या 3 साल में कॉलेज में करा है या इसके पहले आपने जुडिशरी की तैयारी करी जो भी करा है, दैट विल गिव यू ओनली 20% ऑफ द टोटल रिजल्ट। और ये साइंटिफिकली आप इतने सारे रिसर्च पेपर देखेंगे प्रूवन ये चीज है कि ये होता ही होता है। तो अभी अगर आप प्रॉपरली मेहनत करते हो तो आपका क्लैट पीजी का अगर आप मान लो 65 का टारगेट लेके चल रहे हो तो आपके 55 नंबर आपकी अभी की तैयारी से आएंगे, बाकी जो 10-15 नंबर का डिफरेंस होगा वही आपका पुराने वाली जो आपकी याददाश्त है उससे पूरा होने वाला है, ये आप मान के चलो। इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पेपर पैटर्न। देखिए जो आपका पेपर पैटर्न है इट इज वेरी सिंपल, 120 मार्क्स का ही पेपर आएगा जिसमें आपको 2 घंटे मिलते हैं पेपर को पूरा कंप्लीट करने के लिए। इसमें आपको 3 तरीके के पैटर्न देखने मिलते हैं पिछले 5 साल में, बिकॉज 2019 से पैटर्न चेंज हुआ था, जिसमें एक पैटर्न आपका 12-10 का होता है जिसमें जो पैराग्राफ का साइज होता है डैट इज लॉन्ग, जिसकी वजह से जो पैराग्राफ क्रिएट करने में टाइम लगता है वो डिफिकल्ट होता है, पैराग्राफ में से आंसर ढूंढने में टाइम लगता है वो डिफिकल्टीज की बढ़ाता है, और इसी वजह से आपको बहुत ही डीप में पैराग्राफ की कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, साथ में सब्जेक्ट की जो नॉलेज है दैट हैज टू बी वेरी वेरी डीप। उसके अलावा जो दूसरा पैटर्न होता है वो आपका 20 पैराग्राफ, ये 24 पैराग्राफ का होता है जिसमें कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इतने ज्यादा होते हैं, पैराग्राफ पहले थोड़ा सा छोटा होता है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इतने ज्यादा होते हैं कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि पहले हमें कौन सा पैराग्राफ करना है बाद में कौन सा करना है, और 2 घंटे का टाइम होने की वजह से पैनिक क्रिएट हो जाती है।
इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपनी तैयारी जब करें तो हम लोग तीनों पैटर्न को इनकैप्सुलेट करके चले कि हमें इन तीनों पैटर्न का ध्यान रखना, कुछ भी आ सकता है। इस टाइम अराउंड क्लैट पीजी ने कोई भी सैंपल पेपर लॉन्च नहीं करा है, जो कि वो पिछले 2 साल से करते आ रहे हैं। इस बार उन्होंने कोई सैंपल पेपर लॉन्च नहीं करा, सो इट इज एनीबडीज गेस कि इसमें से कौन सा पैटर्न आपका आएगा। इवन हो सकता है नया पैटर्न कोई आ जाए, 18 या 19 पैराग्राफ का भी हो सकता है आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें हर पैटर्न के लिए तैयार रहना है। इसीलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक पेपर्स में एटलीस्ट मॉक पेपर सीरीज में अच्छी ज्वाइन करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस एकदम सॉलिड हो। केवल पढ़ाई करके और केस लॉ पढ़ के मत जाना, दैट इज वेरी वेरी मतलब बहुत बड़ी एक बेवकूफी होगी। और उसके लिए आप हमारा जो कोर्स है 2999 में हमारा अवेलेबल है, मॉक टेस्ट सीरीज प्लस केस लॉ सबमिट। तो खास करके वो स्टूडेंट जो कि पीएसयूज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस कोर्स में जरूर जाइए। यहाँ पे आपको केस लॉ समरी और मॉक पेपर बढ़िया से एकदम मिल जाएंगे, आपको बहुत बढ़िया से काम यहाँ पे हो जाएगा, वो आप देख के चलिएगा। और हम लोग सारे के सारे जो पैटर्न है क्लैट पीजी एग्जाम के, उन सबके मॉक पेपर्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं, वो भी बिल्कुल अच्छी क्वालिटी वाले, ठीक है। और बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच हम लोग एक एक क्वेश्चन बनाते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस चीज को कि आपके पास देखो टाइम कितना बचा। अभी पॉइंट ये है कि आप अभी इस टाइम पे जो वीडियो देख रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली आप यहाँ पे अक्टूबर के पहले हफ्ते में हो, और यहाँ से आपको अब देखना है कि हाँ भाई मेरे पास यहाँ पे टोटल में ये वाला नवंबर का पूरा महीना है, और यहाँ पे मेरे पास करीब 20 दिन के आसपास रह गए, तो टोटल में अराउंड 50 डेज मोटा मोटी। और इन 50 डेज की जो तैयारी है वो आपको फर्स्ट ऑफ जो है संडे को, आपको 1 दिसंबर को पेपर होने वाला है, तो उसके हिसाब से फर्स्ट जो आपके 30 डेज है वो आपको अपनी पढ़ाई में, और नेक्स्ट जो आपके 20 डेज है वो आपको रिविजन और मॉक पेपर्स में देना है। कैसे आप ये करना है वो आप डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। और उसके लिए यहाँ पे आपको तीन चीजों का समझने की जरूरत है, तीन कॉम्पोनेंट समझने की जरूरत है। फर्स्ट इज फाउंडेशन सब्जेक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कोई भी अगर आप लास्ट ईयर का पेपर उठा के देख लो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बढ़िया यहाँ पे परफॉर्म करा है, वो पता है कौन है? वो स्टूडेंट्स ये वाले हैं जो कि फाउंडेशनल सब्जेक्ट जिनकी अच्छी थी, बिकॉज उन्होंने जुडिशरी की इतनी अच्छे से तैयारी करी थी। दोज वर द स्टूडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ द पैटर्न ऑल अक्रॉस द बोर्ड, उन्होंने बढ़िया स्कोर यहाँ पे किया है। सो इटली फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अगर ये सोच के चल रहे हो कि मैं केवल केस लॉ स्टडीज कर लेता हूँ, केस लॉ के थ्रू मैं अपनी तैयारी कर लेता हूँ, मेरा काम हो जाएगा, तो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। डोंट डू दैट, पैटर्न कुछ भी आ सकता है। वो लोग हो सकता है बहुत पुराने केसेस पूछ लें आप फंस जाओगे, बहुत नए केस पूछ लें आप फंस जाओगे। डोंट डू दैट। आप फाउंडेशन सब्जेक्ट्स पे अपना फोकस रखिए, केस लॉज वगैरह आप थोड़ा सा अगर हल्का भी रखोगे अपनी तैयारी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके साथ आप कॉम्प्रिहेंशन और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करिए, आपका बहुत आराम से पेपर निकल जाएगा। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, फाउंडेशन की पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केस लॉज वगैरह अगर आप कम भी करोगे और मॉक पेपर्स की तैयारी ज्यादा कर लोगे तो आपका आराम से पेपर निकलेगा, दैट इज द फंडा। इसके बाद आपको ये सोचने की जरूरत है कि नेक्स्ट जो आपका 50 डेज है उसमें आपको आपकी तैयारी को किस तरीके से यहाँ पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस पे आपकी तैयारी को हम लोग डिवाइड करेंगे। ये 4 क्वेश्चंस आपका बिजनेस लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का एक पूरा क्वेश्चन है, और अदर लॉज जो आपके मिसलेनियस वाले हैं वो है। कैसे इनको प्रिपेयर करना है वो आप देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले अगर मान लो आप क्लैट पीजी एग्जाम के साथ में सीवीटी एग्जाम, आईआईटी खड़गपुर, आईएलआई और जो अदर एग्जाम्स हैं आपके एलएलएम के, वो आप तैयार करना चाहते हो क्लैट पीजी के साथ, तो आप 6499 में ईयर कोर्स हमारा देख सकते हो। बेनिफिट इस कोर्स का ये है कि देखो अगर आप केवल क्लैट पीजी वाले कोर्स में एनरोल करोगे तो वहां पे केवल क्लैट पीजी तक का आपका रहेगा, उसमें जो आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं वो कवर होंगे नहीं। और केवल थोड़ा सा पैसा अगर आप हल्का सा अगर आप थोड़ा सा वो कर पाते हो, आप इस कोर्स में आ जाते हो, तो आपको ये फ्यूचर में एक रिलैक्सेशन हो जाएगा कि मेरे सारे सब्जेक्ट्स जो भी मेरे एग्जाम्स वगैरह हैं वो भी कवर हो रहे हैं, आपका बहुत बढ़िया तैयारी भी हो रही है, मेंटरशिप के लिए मैं वहाँ पे अवसर रहूंगा ही, सारे आपके एग्जाम्स के मॉक पेपर्स भी आपको प्रोवाइड हो जा रहे हैं। तो अगर आप प्लीज अगर इस बारे में सोच रहे हो, अगर आप करना चाहते हो तैयारी, तो आप डेफिनेट चेकआउट कर सकते हो। वरना जो आपका ये वाला कोर्स है 3099 वाला, इसके अंदर मॉक टेस्ट सीरीज, केस लॉ समरी वगैरह हम लोग दे ही रहे, सारा का सारा पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं वी आर मेकिंग इट फ्रॉम स्क्रैच। ये नहीं है कि हम लोग जुडिशरी के पुराने पेपर्स ला के छाप दे रहे हैं या कहीं से भी क्वेश्चन उठा के बना दिया, पैराग्राफ कुछ भी डाल दिया, दैट विल नॉट हैपन। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे इवन जा सकते हो और वहां पे आप देख सकते हो कि हमारा क्वेश्चन की जो क्वालिटी है वो क्या है, और उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। उसके अलावा जो हमारा 4999 वाला केस है, 444 यहाँ पे, ये वाला बेस्ट इन द बिजनेस है, बिकॉज इसमें फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स और आपका जो स्टडी मटेरियल है वो भी यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया है, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से आपकी जो तैयारी है उसको कंप्लीट करवाता है। फिर चाहे रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर चाहे आपको पूरी पढ़ाई करनी है, कुछ भी करना है, ये कोर्स आपका पूरा एकदम करके देगा। तो प्लीज आप सोच लो और समझ लो, उसके हिसाब से आप डिसाइड करो। अब हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि चाहे आप रिविजन कर रहे हो, चाहे आप पूरी पढ़ाई कर रहे हो, एसेंशियल सब्जेक्ट्स कौन से जिसमें हमको ज्यादा टाइम देना है। आप ये समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ये 4 सब्जेक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव,
लेबर और एनवायरमेंट, इनमें आपको सबसे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, बिकॉज इसमें से आपका कम से कम 30% से लेकर 40% पेपर सीधे सीधे आएगा। और यहाँ पे आप अगर डेज के हिसाब से बात करोगे, डेज के हिसाब से कम 6 days आप इसको दो, 6 to 7 days आप इसको दो, एज पर यहाँ पे मैं कहूंगा 50 days ही हो जाएगा, 60 की जगह सॉरी, ये एज पर 50 days आपको देना है टाइम यहाँ पे। और इसमें कोशिश ये करिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को आप पढ़ो जब, तो एक एक मैग्निफिकेशन कॉन्सेप्ट समझना आप लोग। जैसे मान लीजिए अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को पढ़ रहे हो, तो आप ये पढ़ोगे कि भाई देयर वाज सज्जन सिंह संतरी प्रसाद आईसी गोरखनाथ अमेंडमेंट्स केशवानंद भारती मिनर्वा मिक्स, हर केस में क्या क्या हुआ वो आपने शॉर्ट में पढ़ लिया, बेसिक स्ट्रक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया, दैट मतलब आपका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया मोटा मोटी। लेकिन अब इसमें अगर आप डीप पढ़ने जाते हो, केशवानंद भारती केस है, 13 जजेस की बेंच है, हर जज ने किस तरीके से क्या बोला, कंक्लूडिंग ओपिनियन किसने दी, डिसेंटिंग किसने दी, डिसेंटिंग ओपिनियन थी उसमें क्या रैशनल था कोर्ट का, उसके पीछे ऑडिटर क्या था, वो क्या था, उसमें आपको एकदम डीप में पढ़ना पड़ेगा। सो इट इज नाउ अपॉन यू कि आप किस तरीके से अपनी पढ़ाई को कितना डीप में करना चाहते हो। क्या आप चाहते हो कि आप थोड़ा सा हल्का फुल्का देख के केशवानंद भारती को देख के जाओगे, एकदम डीप में देख के जाओगे, वो डिपेंड करता है कि आपने इसके पहले कितनी पढ़ाई करी है और अब कितनी पढ़ाई आप करना चाह रहे हो रिविजन के टाइम पे, कि आपको रिकॉल हो जा रहा है। और अगर आपने हल्का फुल्का ही पढ़ा, इसके पहले बिल्कुल नहीं पढ़ा है मान लो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपको बहुत ज्यादा मैग्निफाई करके किसी टॉपिक को नहीं पढ़ना है, पढ़ो उसको, लेकिन केवल इतना ही पढ़ो कि आपका 5 दिन में या मान लो 3 दिन का आपका टारगेट लेके चला, उसमें वो टॉपिक कंप्लीट हो जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमें हमारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है, ये इंपॉर्टेंट अब यहाँ पे नहीं रह गया है, बिकॉज टाइम आए हैं कि हम लोग एकदम मैग्निफाई करके उस टॉपिक को एक एक चीज उसकी पढ़े। That is not possible in the amount of time that you have right now, because आपको अभी case law summaries भी करनी है, आपको अभी mock paper की practice भी करनी है, आपको और subjects भी करने हैं, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। Got it? Good. इसके बाद आपका यहाँ पे हम लोग जो दूसरा पार्ट है वो है हमारा BNS, BNSS और BSA का, इसको कैसे कवर करना है, मैंने इसकी पूरी सेपरेट वीडियो बनाई है जहाँ पर मैंने एक एक जो आपका सब्जेक्ट है पूरा पूरा बताया है कि क्या क्या इसमें आपको देखना, तो वो वीडियो प्लीज जाके देखना, उसमें आपको मिलेगा एक वीडियो 3 आपका करके लिखा है 3 new laws और उनको कैसे कवर करना पूरा मैंने समझाया, वो देख लेना प्लीज। उसके बाद और इसको भी आप हर दिन अगर आप टाइम दे रहे हो ना, तो आप मैक्स टू मैक्स इसको यहाँ पे 5 दिन का टाइम दो, 5-6 दिन का टाइम दो, ज्यादा टाइम मत दो। और सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस का वो वीडियो आप प्लीज फॉलो करो, वहां पे आपको बहुत आराम से डिटेल मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो अपने आपके सब्जेक्ट्स है इसमें आपका देखो कंपनी लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जुड़े हुए जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके हैं मोटा मोटी, इनको आपको कम से कम समझ लो क्या 5 दिन का टाइम देना मोटा मोटी, कंपनी लॉ को 2 दिन का, बाकी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह को जो है 3 दिन, इन सब में आपका काम आराम से, कॉन्ट्रैक्ट आपका आसान होता है, जल्दी रिकॉल भी कर पाओगे, आसान है, कर लो, ये तरीका है। उसके बाद यहाँ पे ये 4 सब्जेक्ट्स देख लो, इंटरनेशनल जुरिस्प्रूडेंस फैमिली और टॉर्ट्स, इनको यार कायदे से करके जाओ, बिकॉज इनमें क्या है जुरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ, इसको भी 4 दिन कर लो, बल्कि ये आपके दोनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, हर साल देखो 2-2 पैराग्राफ इसमें से आते करके जाओ ढंग से, बहुत फायदा करेगा। उसके अलावा फैमिली लॉ को देख लो, फैमिली लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से क्वेश्चन आने का 75% चांस है कि देखो यार आएगा ही आएगा, तो इसको हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ कर लो, और आपका जो फाउंडेशनल आपके जो केस लॉज है लैंडमार्क केस लॉज रीसेंट केस लॉज वो आप कर लो, आपका आराम से काम यहाँ पे हो जाएगा। अब हम लोग ने बात कर लिया इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो कि आपको फर्स्ट 30 डेज में करने हैं, उसके बाद ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं आपके जो कि थोड़े से नॉन इंपॉर्टेंट, इनको आपको करना है, और कैसे करना है वही मेरी मैग्निफिकेशन वाला जो मैंने पॉइंट समझाया आपको कि करो पर बहुत ज़रा मैग्निफाई करके नहीं। जैसे टैक्स पढ़ रहे हो तो हेड्स ऑफ इनकम पढ़ लिया, ये पढ़ लिया कि कौन कौन सी अथॉरिटीज है टैक्स जो आपका वो करती है, जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू पे गए वहां पे देख लिया कैसे जीएसटी रिजीम आई, कैसे चीजें हुई, वो सब कुछ देख लिया, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं देखा, एक एक क्राइटेरिया नहीं पढ़ने बैठे कि इस सेक्शन में कैसे होगा, यहाँ पे टैक्स को किस पे लगेगा किस पे लगेगा, जो पूरी कैलकुलेशन समझाते हो कि 180 डेज में है तो कौन सा बंदा रेजिडेंट है कौन सा बंदे पे टैक्स नहीं लगेगा, ये जितना भी नौटंकी है उसको अवॉइड करो, जो मोटा मोटा क्रक्स है वो पढ़ दो, ठीक है। आपका एटलीस्ट अगर पैराग्राफ आया टैक्स का तो एक आध पैराग्राफ तो आपका पैराग्राफ से एक आध आंसर निकलेगा, और बाकी का जो होगा वो आपकी इसी नॉलेज से आप क्रैक कर लोगे, तो अगर 6 में से 2 या 3 नंबर भी आ गए तो मोर देन इनफ है, वो भी उस पैराग्राफ से जिसकी आपने तैयारी उतनी नहीं की थी जो कि नॉन इंपॉर्टेंट था, और उसके आने का चांस भी 50-50 यहाँ पे है। तो इसीलिए टैक्स लॉ हो गया, आईपीसी हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया, आईपीआर हो गया, इन सारे सब्जेक्ट्स में यही काम करो, टीपीए के लिए भी सेम काम करो, आईपीआर के लिए भी सेम काम करो, और सारे सब्जेक्ट्स को भी आराम से जो आपके नेक्स्ट बचे हुए 20 डेज है उनमें करो, जहाँ पे आप रिविजन कर रहे हो तो आप हर दिन सब्जेक्ट्स को 2-2 घंटा भी दोगे
तो हर दिन अगर एक सब्जेक्ट कर रहे हो तो आराम से 2 घंटे में एक सब्जेक्ट निपट जाएगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेक्चर्स उसके लिए यूट्यूब पे जाके आप फॉलो अगर करते हो बहुत आराम से आपको ये सब कुछ निपट जाएगा, कोई बहुत कठिन नहीं है। या फिर आप नोट्स वगैरह जाओगे, नेट पे सर्च करोगे, नोट्स पढ़ लोगे, आपका काम हो जाएगा। और ये वाले जो आपके सब्जेक्ट्स हैं इनके अंदर केवल जो इंपॉर्टेंट वाले रिसेंट केस लॉज आए उनको आप कर लो, जो उसमें सेक्शंस कवर्ड है उनको आप कर लो, आपका काम आराम से हो जाएगा, ज्यादा इसमें दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। यू कैन गो केस लॉ वाइज यहाँ पे। उसके बाद मेरे को कौन से केस लॉज पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, ये आपके पास पूरा एक मैंने दे दिया प्रिंसिपल्स। लेकिन एक बात समझ के चलो, अगर इस हिसाब से आप गए एसईसी ऑनलाइन पे या लाइव लॉ पे या बार एंड बेंच पे और वहां पे आपने एक एक उठाया बड़ा बड़ा बंडल कि हाँ चलो भाई केस लॉ आपका जो ब्रीफ है यहाँ पे जो इन्होंने कंपाइलेशन नवंबर की दे दी, दिसंबर की दे दी, इसकी दे दी, पिछले साल की दे दी, बहुत टाइम लगे। इससे अच्छा मेरा प्लीज सजेशन मानिए, 2999 का कोर्स है हमारा, छोटा सा कोर्स है, आप जाइए प्लीज एनरोल करिए, वहां पे आपको सब कुछ करके हमने दे रखा है। 2019 से लेकर 2024 तक के जितने रिसेंट केस है पूरे कवर कर दिए, लैंडमार्क केस लॉ 2017 से लेकर लास्ट तक के पूरे कवर कर दिए, पूरा पूरा डिवाइड कर दिया क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं, पूरा लिस्ट दे दी है। एक पूरा हम लोगों ने स्मॉल साइज में भी दिया है, लार्ज साइज में भी दिया है, दोनों आप चेकआउट कर सकते हो, तो प्लीज जाके उसको जरूर से ट्राई करो, ठीक है। इसके अलावा आप बात करते हो अगर कि मेरे को जो तैयारी करनी है, सोर्सेज मैंने आपको बता दिए क्या क्या है, क्या केस के अंदर पढ़ूं क्या ना पढ़ूं। देखो लैंडमार्क केस लॉ जब पढ़ रहे हो तो ये सारे पॉइंट्स आपको करने पड़ेंगे। नेम जो कोरम है जज का, उसके साथ में कंकरिंग डिसेंटिंग ओपिनियन क्या क्या रेशियो दिया वो करके जाना है। इंपॉर्टेंट जजमेंट्स कौन कौन से उसमें कवर किए गए, केस के अंदर कौन कौन से लॉज इन्वॉल्व थे उनको डिटेल में करना है, उसके साथ में कोई प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन यूज किया वो आपको करना है। अगर कोई रीसेंट केस लॉ पढ़ रहे हो तो उसमें केवल नेम ऑफ द केस देख लो, जो केस के अंदर लॉ इन्वॉल्व हुआ था वो देख लो, और उसके साथ में केस में अंदर क्या जो मेन रूलिंग थी वो देख लो, काम हो जाएगा, उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत है नहीं। उसके बाद देखो नेक्स्ट जब आपके लास्ट के 50 डेज आते हैं, 30-50 डेज की आप बात करते हो, फर्स्ट 30 डेज में क्या करना था मैंने बता दिया, लास्ट के 20 डेज में एक काम ये है कि नॉन एसेंशियल सब्जेक्ट्स को आपको 2-2 घंटा देके कम निपटाना है, एक काम हुआ। दूसरा आपको एटलीस्ट 2-2 मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस कोशिश करनी है करने की, और वहां पे अगर आप कम से कम कोशिश ये करो कि 2 से 4 के बीच में अगर आप एक मॉक पेपर एटलीस्ट दे पा रहे हो तो आपका बहुत अच्छे से एक अटेंशन स्पैन बनेगा, जहां पे आप तैयारी और प्रैक्टिस वगैरह एक दिमाग आपका सेट हो जाएगा कि 2 से 4 के बीच में पेपर होना, हमारा बढ़िया तैयारी हो रही है, दैट हैज टू बी डन। और उसके अलावा आप अगर 2 मॉक पेपर दे पा रहे हो तो टोटल आपका 40 मॉक पेपर इन 20 दिनों में हो जाएगा, दैट विल बी मोर देन इनफ टू क्रैक एनी एग्जाम। आराम से पीएसयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे जैक एंट्री के लिए करो, चाहे जिसके लिए कर रहे हो, आराम से जो जो मैंने टाइमलाइन यहाँ पे दी है डेज के हिसाब से, उसके हिसाब से चाहे रिविजन कर रहे हो, चाहे फ्रॉम स्क्रैच पढ़ रहे हो, मैग्निफिकेशन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के चल रहा कि अगर बहुत मैग्निफाई करके पढ़ोगे टाइम लगेगा, छोटे में करके चलोगे केवल क्रक्स क्रक्स देखोगे, रिवाइज करोगे, जल्दी तैयार होकर सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। इस चीज को अंडरस्टैंड करो और उसके हिसाब से तैयारी करो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अगर हमारे कोर्सेज में आप इंटरेस्टेड हो प्लीज उसको जाके जरूर से आप चेकआउट कर सकते हो। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर यू फ्यूचर सक्सेस।